जब देश पर बाहरी ताकतें हमला करती है तो रानी अबक्का ओना के ओ बाबा रानी चेन्नम्मा और क्रांतिवीरा संगोली रायन्ना जैसी वीर उनके सामने दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। कर्नाटका के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी, मंत्री परिषद में मेरे साथी प्रहलाद जोशी जी, संसद में हमारे वरिष्ठ साथी डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी, परम पूज्य स्वामी निर्मलानंद नाथ स्वामी जी, परम पूज्य श्री श्री शिवरात्रि देशी केंद्र स्वामी जी, श्री श्री विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी जी, श्री श्री नंजावजा स्वामी जी, श्री श्री शिवमूर्ति शिवाचार्य स्वामी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, सांसदगण, बाई सिटी रवि जी, दिल्ली कर्नाटका संघ के सभी सदस्यगण, देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज दिल्ली कर्नाटका संघ एल्लादुरु इरु एतादरु इरु एंदेलिगुने कन्नड़ावागिरु ऐसी गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। दिल्ली कर्नाटका संघ के 75 वर्षों का यह उत्सव ऐसे समय में हो रहा है जब देश भी आजादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मना रहा है। जब हम 75 वर्ष पहले की परिस्थितियों को देखते हैं, उनका आकलन करते हैं, तो हमें इस प्रयास में भारत की अमर आत्मा के दर्शन होते हैं। दिल्ली कर्नाटका संघ का गठन दिखता है कि आजादी के उस प्रथम पहर में किस तरह लोग देश को मजबूत करने के मिशन में जुट गए थे। मुझे खुशी है कि आज आजादी के अमृत काल के पहले प्रहर में भी देश की वो ऊर्जा, वो समर्पण आज उतना ही जीवंत नजर आता है। मैं इस अवसर पर इस संघ का सपना देखने वाली, इसे साकार करने वाली सभी महान विभूतियों को नमन करता हूं और 75 साल की यात्रा सरल नहीं होती है। अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, अनेक लोगों को साथ लेकर के चलना पड़ता है। 75 साल तक जिन जिन लोगों ने इस संघ को चलाया, आगे बढ़ाया, विकास किया, वे सब के सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं कर्नाटका के लोगों को भी राष्ट्र निर्माण के उनके प्रयासों के लिए प्रणाम करता हूं। साथियों, भारत की पहचान हो, भारत की परंपराएं हो या भारत की प्रेरणाएं हो,
कर्नाटका के बिना हम भारत को परिभाषित नहीं कर सकते। पौराणिक काल से भारत में कर्नाटका की भूमिका तो हनुमान की रही है। हनुमान के बिना न राम होते हैं न रामायण बनती है। युग परिवर्तन का कोई मिशन अगर अयोध्या से शुरू होकर रामेश्वरम जाता है तो उसको ताकत कर्नाटका में ही मिलती है। भाइयों बहनों, मध्यकाल में भी जब आक्रांता भारत को तबाह करने का प्रयास करते हैं और सोमनाथ जैसे शिवलिंग तोड़े जाते हैं तो कर्नाटका के देवरा दासी मैया, मादरा चिन्नैया, डोहर कक्कैया और भगवान बसवेश्वरा जैसे संत जन जन को इष्टलिंग से जोड़ देते हैं। जब देश पर बाहरी ताकतें हमला करती है तो रानी अबक्का ओना के ओ बाबा, रानी चिन्नम्मा और क्रांतिवीरा संगोली रायन्ना जैसे वीर उनके सामने दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। आजादी के बाद भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पहले वाइस चांसलर महाराजा कृष्ण राजा आडियर से लेकर फील्ड मार्शल के एम करीबप्पा और भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया तक कर्नाटका ने हमेशा भारत को प्रेरित भी किया है और आकर्षित भी किया है। और अभी हम पूज्य स्वामी जी से काशी के अनुभव सुन रहे थे। साथियों, कन्नड़ा के लोगों ने हमेशा एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र को जिया है।